इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं बैठी हूँ बाहर और मौसम मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितना सुंदर हो रखा है और डेट है 8 जुलाई और आज हम लोगों को जाना है दिल्ली। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई, आप समझ सकते हो काम कितना रहता है, थोड़ा थोड़ा काम जाता ही जाता है। तो बस यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मौसम देखिए कितना सुंदर हो रखा है, लग रहा है कि बारिश होगी पर पता नहीं क्या होगा। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वॉक करने के लिए आई थी और उसके बाद यहाँ पे बैठ गई। अभी सब लोग सोए हुए हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो अभी मैं जाऊंगी तो चाय बनाऊंगी। और ये देखिए मेहंदी लगा रखी है मैंने। दरअसल पता है क्या हुआ, मेरी मेड जो है ना वो पत्ते वाला मेहंदी लेकर आई थी और वो मैंने लगा रखा था थोड़ा सा, पर उससे क्या होता है ना कि हाथ का जो कहते हैं ना कि वो मतलब रहता तो काफी दिन है पर एकदम मतलब बहुत लाइट कलर में था, मुझे वैसा कलर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसी पे पता है वो वाली जो आती है ना मेहंदी, वो वाली मैंने लगा ली। बैठे बैठे चलते हैं अंदर की तरफ और बनाते हैं चाय, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा काम है, क्योंकि हम लोग की ट्रेन जो है वो मतलब 2 बजे है, तो 2 बजे है, सामान भी हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रखा है और हम लोगों को निकलना है पहले ही, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं बच्चे हैं, सारी चीजें को मतलब लेकर प्रॉपरली चलना पड़ता है, नाश्ता खाना हर एक चीज, और सामान पत्ते बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ना उससे थोड़ा सा ही कम है सामान, मेरे हिसाब से उतना ही हो गया है। क्योंकि इस बार मैंने बताया था आप लोगों को ठंड के कपड़े बच्चों को मतलब बच्चे के लिए जाने थे, तो मतलब बच्चों का ही नहीं था मेरा भी था, तो मेरा उतना नहीं है जितना बच्चों का है, लेकिन सब मैनेज हो चुका है और सारी चीजें हो चुकी हैं। बस अब बच्चों को उठाना है क्योंकि आज क्लास है, थर्सडे है और थर्सडे में भी क्लास है और क्लास करने के बाद ही हमको निकलना है और फ्राइडे में भी क्लास है। अब देखते हैं, आज का तो अरेंज कर लूंगी पर कल का मुझे नहीं पता कि कैसे हो पाएगा पहुंचने के बाद, 2 महीने से घर बंद है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी उतना दूर नहीं सोचूंगी, अभी आज की प्लानिंग करते हैं और अभी बस चाय वाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद जो भी हमारा मेरा मतलब नॉर्मल रूटीन है, बच्चों को उठाना नाश्ता कराना, तो ये सारी चीजें। और बताए मौसम कभी कभी रहता है ना वो खींचता है अपनी तरफ, वही आज की स्थिति है। अभी मैं आई थी बाहर वॉक करने के लिए, उसके बाद बैठ गई, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी हो सकता है ना कि जाना है या फिर कुछ भी, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले इसी मौसम में रहता था कि यार क्या निकलना है बाहर, लेकिन जब से ये सारी चीजें लग रहा है कि नहीं मिलने वाली है तब से यार बैठो थोड़ा सा मतलब इंजॉय करो, तो बस यही है। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर और सॉरी किचन में और चाय बनाते हैं, क्योंकि सबके चाय पीने का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और ये तो उठ गए होंगे, अभी गर्म पानी वानी पी रहे होंगे, तो चलते हैं फिर। आज का मौसम आप लोगों ने देख लिया कितना अच्छा हो रखा है और मेरे यहाँ चारों तरफ अस्त व्यस्त सारी चीजें हो रही हैं, बारिश बहुत जोर की हो रही है और नाश्ता हो चुका मेरा, लेकिन ले जाने के लिए मैं बना रही हूँ खाना और अभी खा के जाने के लिए बन रहा है उस साइड खाना, तो बहुत सारी चीजें बन रही है। पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ ले जाने के लिए बच्चों को, और एक बना रही हूँ आलू परवल की थोड़ी सी सूखी, क्योंकि मुझे पनीर और इनको पनीर अच्छा नहीं लगता, बच्चों को अच्छा लगता है तो इस वजह से, और बच्चों का क्लास चल रहा है गुनगुन का और मम्मी भी रेडी है क्योंकि मम्मी को भी आज ही निकलना है। और पता है बहुत सारा आम भैया निकाल के लाए हैं और बोले हैं ना कि इसको ले लेना, मैंने बोला अरे नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा। मेरा काम हो चुका, नहाना पूजा नाश्ता भी अभी जस्ट किया मैंने, पता है मैं दौड़ के बाहर गई, अभी मौसम आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा हो रखा है। बस पनीर की सब्जी, और पता है पनीर की सब्जी में मैं प्याज व्याज बिल्कुल मैंने नहीं डाला है, क्योंकि रास्ते के लिए आपको पता है प्याज लहसुन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, गर्मी है बहुत ज्यादा, तो बस सिंपल सी सब्जी और खाना में बनी रहा है जो भी बन रहा है, दाल चावल। भाभी बैठी हुई है पीछे एकदम कुछ चेयर वेयर लगा के एकदम बनवा रही है, ये बनाओ वो बनाओ। और नहाने के बाद पता है पूजा वूजा करने के बाद अभी मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन सोचती हूँ कि पता है कि थोड़ी सी बातें करूंगी या फिर कुछ भी, उस दिन मेरा ऑटोमेटिक ही लेट हो जाता है, तो ये एक और रीजन रहता है।
तो चलिए फिर सब्जी मेरी करीब करीब होने को है और इसमें मैंने बस डाले हैं टमाटर और 4 काजू और थोड़ी सी जीरा कच्चा, सबको पीस के और हल्दी नमक के साथ मैं बना रही हूँ इसे। और बहुत अच्छी पता है ग्रेवी बनती है काजू अगर आप डाल देते हो नॉर्मली किसी भी सब्जी में, तो उसका जो मतलब जो क्रीमी क्रीमी आता है ना टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। और वैसे अगर आप चाहोगे इसमें तो थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं आप, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है मतलब स्किप भी कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर सब्जी को बना के और थोड़ा सा रख देती हूँ। और हम लोग को निकलना है करीब 12 बजे घर से, हम लोग निकलेंगे 12:30, लेकिन मौसम आप देख रहे हैं पता है मौसम, इस मौसम को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल। ये पता है निकल चुके हैं सामान लेके, बच्चे जा चुके हैं, गुनगुन का क्लास अभी जस्ट खत्म हुआ है तो इस वजह से वो बस अभी मेरे साथ जाने वाली है। वो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, रुकने का नाम ले रही है और पता है इतने से ही घर एकदम सराटा सा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, बच्चे चले गए हैं और बस मैं भी रेडी हूँ, सिंपल सी कुर्ती डाली है और कुछ नहीं और एक लिया है दुपट्टा। तो बस अभी गाड़ी आने वाली है दूसरी बार, तो बस हम लोग निकलेंगे और चलते हैं भाभी के रूम में बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि काना भी सोया हुआ है, वैसे जगेगा तो रोएगा, काफी रोया है, बच्चों को पता है, पता चल ही जाता है कि सब लोग जाने वाले हैं या फिर कुछ। और और यहाँ पे हम लोग बैठ के एकदम कीर्तन गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम। और गुनगुन पता है इसके बड़े पापा इसको और इसका पता है कोई भी पैसा इसकी मम्मी के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पापा के पास। बोले मम्मी याद है ना कुछ दिलाना है, बोले हाँ भाई याद है। मेरे फोन में क्या हो रखा है इसे, अभी ये मुझे ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरस भी टूट गया है, निकलने का जो नाम ही ले रहे हैं। और आ गया चिप्स, तो यहाँ पे चल रही है चिप्स की पार्टी और मुझे भी अपने वीडियो को एंड करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली, तब तक के लिए बाय बाय।